नमस्कार विद्यार्थियों आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के प्रारंभिक जीवन और उसकी विजयों के बारे में अध्ययन करेंगे विद्यार्थियों ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में भारत की जो पश्चिमोत्तर सीमा थी वहाँ यूनानी शासक सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था जिससे पश्चिमोत्तर भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसमें आमूल परिवर्तन हो गया था और उस क्षेत्र में यूनानी शासन व्यवस्था लागू हो गई परंतु तीन ईस्वी पूर्व में सिकंदर की जब अचानक मृत्यु हो गई तो उससे वहाँ की यूनानी व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और इस अराजकतापूर्ण एवं विघटकन विघटनकारी स्थिति का चंद्रगुप्त मौर्य ने लाभ उठाया इस दौरान यूनानी शासन के विरुद्ध चारों और विद्रोह की अग्नि भड़क उठी और भारत ने यूनानी प्रतंत्रता का जुआ उतार फेंका इस विद्रोह अथवा क्रांति का जो नेतृत्व है चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और उसने मगध में मौर्य वंश की की। स्थापना मौर्य साम्राज्य का ऐतिहासिक महत्व मौर्य साम्राज्य की स्थापना प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी मौर्य वंश की स्थापना के पूर्व भारतीय इतिहास का जो कालक्रम है वो अत्यंत अस्पष्ट एवं विवादास्पद था परंतु मौर्य वंश के स्थापना के समय से भारत का जो इतिहास है वो पौराणिक गाथाओं के स्थान पर ऐतिहासिक व्रत का रूप धारण कर लेता है क्योंकि यूनानी ग्रंथों से सिकंदर के भारत आक्रमण की तिथि हमें ज्ञात हो जाती है पहली बार मौर्यों ने ही आ, विदेशी आ, विदेशी शासकों से संबंध स्थापित किए मौर्य शासकों ने ही विदेशों से संबंध स्थापित किए और उनसे कूटनीतिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किए इससे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के सहारे भी भारतीय इतिहास की घटनाओं का कालक्रम है उसको निर्धारित कर सकते हैं इसके अतिरिक्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना का महत्व भारतीय क्षेत्रों से विदेशी सत्ता को उखाड़ फेंकने तथा भारत को राजनीतिक एकता प्रदान करने में भी है इस राजनीतिक एकीकरण के कारण ही हमारे देश का जो इतिहास है सही अर्थों में राष्ट्रीय इतिहास हो सका है परंतु मौर्य साम्राज्य की स्थापना का सर्वाधिक महत्व तो इस बात में है कि मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत ही भारतीय साम्राज्य को हिंदू कुश पर्वत के रूप में उसकी प्राकृतिक सीमा प्राप्त हुई इस दृष्टि से चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट माना जा सकता है मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी देने वाले स्रोत मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी देने वाले स्रोतों को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है साहित्य विदेशी विवरण और पुरातत्व साहित्य के अंतर्गत जो ब्राह्मण साहित्य है जैसे विष्णु पुराण तथा ऐतिहासिक ग्रंथों में कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है विशाखा का मुद्रा राक्षस सोमदेव का कथा सार समेंद्र का वरहत कथा मंजरी तथा पतंजलि का महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों से मौर्य राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथों में दीपवंश महावंश टीका महाबोधि वंश दिव्यावधान आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिनसे मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है जैन ग्रंथों में भद्रबाहु का कल्पसूत्र एवं हेमचंद्र का परिष्ट पर्वन प्रमुख है विदेशी विवरण में बात करें तो मैगस्तनीज का जो विवरण है इंडिका नाम से वो मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी देने का महत्वपूर्ण स्रोत है इसके अलावा स्ट्रेबो कर्टियस प्लिनी एरियन जस्टिन प्लूटार्क नियर्सकर्स ऑन ए सिक्रेट सिक्रेटस वे अरिस्टोबुल्स आदि यूनानी लेखकों के विवरण से भी मौर्य राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अशोक के आ, अलग अलग अशोक ने जो भारत में अलग अलग अभिलेख स्थापित किए उनसे मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है इसके अलावा शक महाशेत्र रुद्रदामन के जूनागढ़ जु, लेक तथा काली पुलिस वाले मृदबांड चांदी वे तांबे के पंच मार्क जो आहत सिक्के हैं उनसे भी मौर्य राजवंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर्य तीन सौ तेईस से दो सौ अट्ठानवे ईस्वी पूर्व या तीन सौ बाईस कुछ विद्वानों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक गण को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस तथा फिलार्कस ने कहा है सर्वप्रथम 28 फरवरी सत्रह सौ ईस्वी में सर विलियम जॉम जॉन्स ने ही इन नाम ये जो सेंड्रोकोटस एंड्रोकोटस या सैंड्रोकोप्टस है इन नामों की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी ये जो सर विलियम्स जोन्स है इन्होंने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी आ, की स्थापना की थी कोलकाता पश्चिम बंगाल में चौदह सौ चौरासी ईस्वी में विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए चंद्रश्री अथवा चंद दर्शन या पी अदर्शन और आदि शब्दों का प्रयोग भी मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य की जाति एवं वंश चंद्रगुप्त मौर्य की वंशो उत्पत्ति के संबंध में अनेक साक्ष्य मिलते हैं परंतु यह इतने अस्पष्ट और परस्पर विरोधी है कि किसी एक निर्णय पर पहुंचना सरल काम नहीं है इस समय उसकी जाति के संबंध में दो मत मत है वो प्रचलित हैं पहला है कि वह शूद्र अथवा निम्न जाति का था ऐसा ब्राह्मण साहित्य पुराण आदि में है वर्णित विष्णु पुराण पर टिक्का लिखने वाले श्रीधर स्वामी तथा विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में भी चंद्रगुप्त के लिए वृसल शब्द का प्रयोग किया गया है और इस नाटक में नाटक से विदित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज का अवैध अवैध पुत्र था इसमें चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का भी प्रयोग हुआ है दूसरा मत है वह क्षत्रिय था बौद्ध एवं जैन ग्रंथ तथा कौटिल्य का अर्थशास्त्र चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताते हैं क्षत्रिय राजवंश का बताते हैं महावंश जो है उस बौद्ध ग्रंथ महावंश उसके अनुसार वह मौर्य क्षत्रियों की के वंश में पैदा हुआ था महावंश की टिक्का से विदित होता है कि मौर्य साक्यों की ही एक शाखा सा, थी जो कौशल नरेश विरुद्ध के सहार से बचने के लिए पीपलीवन चले गए थे वहीं माँ परि निर्वाण सूत्र के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे दिव्यावदान से विदित होता है कि बिंदुसार अशोक अपने आप को क्षत्रिय मानते थे इस प्रकार समस्त बौद्ध ग्रंथ एक स्वर में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बना बताते हैं जैन ग्रंथ भी चंद्रगुप्त को क्षत्रिय बताते हैं परिष्ट पर्वन में उसे मयूर पोषकों के सरदार का पुत्र बताया गया है यूनानी लेखकों में केवल जस्टिन ने ही चंद्रगुप्त की वंशोत्पत्ति के संबंध में कुछ लिखा है उसके अनुसार यह निम्न स्तरीय अवस्था में उत्पन्न हुआ था इसका सीधा साधा अर्थ यही होना चाहिए कि चंद्रगुप्त के समय जन्म के समय उसके परिवार की स्थिति संपन्न थी जस्टिन का कथन उस चंद्रगुप्त की जाति के जाति से कोई कथन का जाति से कोई संबंध न था अंत में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करें तो कौटिल्य ने लिखा है कि उच्च कुल में उत्पन्न राजा चाहे वह दुर्बल ही क्यों ना हो नीच कुल में पैदा हुए परबल राजा से भी श्रेयकर है कौटिल्य ने शूद्रवंशी नंदों का विनाश किया था और उसमें ऊंच नीच आ, कुल में भेद करने की बुद्धि थी तो वह बल्ला चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर कैसे बैठा सकता था यदि वह शूद्र होता इसे स्पष्ट इस है कि चाणक्य ने जिसे सम्राट बनाया वह चंद्रगुप्त मौर्य क्षत्रिय ही था ब्राह्मण साहित्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताते हैं जैसे मुद्रा राक्षस में वृसल अर्थात शूद्र पुराण में मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न जो कि शूद्र थी बौद्ध साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है मावंस के अनुसार गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल से उत्पन्न था दीवावदान के अनुसार क्षत्रिय था चंद्रगुप्त मौर्य जैन साहित्य की बात करें तो परिष्ट प्रशिष्ट पर्वण के अनुसार जो हेमचंद का प्रशिष्ट पर्व पर्वन, पर्वन ग्रंथ है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को मोर मोर पालक का पुत्र बताया गया है प्रारंभिक जीवन चंद्रगुप्त मौर्य की उत्पत्ति के समान ही इसका जो प्रारंभिक जीवन है वो भी अंधकारपूर्ण है और इसके बारे में अगर हम बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका के अनुसार इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करें तो इस इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसका जो उसके जो पिता थे वो नगर के प्रमुख थे नगर के प्रमुख थे चंद्रगुप्त मौर्य के पिता और जब ये अपनी माता के गर्भ में था तभी उसके पिता की जो चंद्रगुप्त मौर्य का पिता थी सीमांत युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई अतः उसकी जो माता थी वो अपने भाई के पास पुष्पपुर अथवा पाटलिपुत्र में सुरक्षा के निमित्त चली गई और वहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ पाटलिपुत्र में ही और जन्म के बाद नवजात को एक स्थान पर फेंक दिया चंद नामक वृषभ द्वारा उसकी रक्षा की गई और इसी कारण इसका नाम चंद गुप्त चंद्रगुप्त पड़ा इसके बाद एक गोपालक है वो वृषभ से चंद्रगुप्त को ले गया गोपालक ने आगे इसको शिकारी को बेच दिया शिकारी के गांव में चंद्रकुप्त बड़ा हुआ और उसे पशुओं की देखभाल के लिए रख दिया गया अपनी प्रतिभा के कारण ही उसने शीघ्र ही अपने समवयस्क बालकों में प्रमुखता हासिल कर दी और वह बालकों की मंडली का राजा बनकर उनके साथ उनके आपसी झगड़ों का फैसला किया करता था और उन उनके साथ राजकीय खेल राज किलम नामक खेल खेलता था एक दिन चाणक्य उधर से निकल रहा था तो उसकी दृष्टि चंद्रगुप्त पर पड़ी और अपनी सूक्ष्म दृष्टि से उसने इस बालक के भावी गुणों का अनुमान लगा लिया और उसने शिकारी से चंद्रगुप्त को हजार का समर्पण देकर खरीद लिया चाणक्य चंद्रगुप्त को तक्षशिला ले गया तक्षशिला उस समय विद्या का प्रमुख केंद्र था और चाणक्य वहाँ का आचार्य था अतः चंद्रगुप्त मौर्य को उसने सभी कलाओं और विद्याओं में विधिवत शिक्षा दी अर्थात तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा की व्यवस्था हुई और वहीं पर ही सैन्य शिक्षा भी उसने ग्रहण कर दी थी ग्रहण कर ली और उसके बाद चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का विनाश किया और चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बना दिया चाणक्य का प्रारंभिक जीवन यूनानी लेखों को छोड़कर अन्य पराय जो सभी लेख हैं इस बात का उल्लेख करते हैं कि नंद वंश का जो विनाशक था वो चाणक्य था परंतु इसके बारे में भी चाणक्य के, के प्रारंभिक जीवन के बारे में भी हमारे पास अधिक जानकारी नहीं है मां वंश की जो टीका है उसके अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था इसके बचपन का नाम विष्णुगुप्त था प्रशिष्ट पर्वन और आवश्यक सूत्र के अनुसार गोल विषय के चणक नामक ग्राम का निवासी था चाणक्य जैन व्रत कथा कोष के अनुसार पाटलिपुत्र के कपिल ब्राह्मण का पुत्र था और यशोमती का पति था माँवंश की टीका के अनुसार चाणक्य का जन्म तक्षशिला के ब्राह्मण परिवार में हुआ था बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो गई चाणक्य बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला था और शीघ्र ही वैदिक साहित्य शस्त्र संचालन मंत्र विद्या एवं नीति शास्त्र में दक्षता प्राप्त कर ली एक दिन उसकी माता रोने लगी पूछने पर उसने बताया कि बेटा तुम्हारे भाग्य में छत्र धारण करना लिखा है और मुझे वे है कि राजकार्यों के चक्कर में फंस तुम मुझे भूल जाओगे तब चाणक्य ने पूछा कि उसके शरीर के किस अंक पर राज सत्ता अंकित है मां ने बताया कि दांतों पर बस चाणक्य ने अपने दांत तोड़ डाले और मां के पास रहकर उसकी सेवा करने लगा अन्य साक्ष्यों से भी इसी प्रकार का विवरण मिलता है प्रशिष्ट पर्वण और आवश्यक सूत्र में गोल विषय के चाणक ग्राम का बताया है जैन व्रत कथा कोष में पाटलिपुत्र के आ, कपिल ब्राह्मण का पुत्र बताया है अभी हमने चर्चा की थी इसी ग्रंथ के अनुसार युवा अवस्था में चाणक्य का जो विवाह है वो यशोमती से हुआ था यशोमती की दीन स्थिति का उसके अन्य बहनें उपास उड़ाया करती थी तो चाणक्य को और उसने चाणक्य को धनार्जन के लिए प्रेरित किया धनार्जन के लिए चाणक्य पाटलिपुत्र में राजा नंद की दानशाला में गया और वहाँ जाकर वो मुख्य पंडित जो था उसके आसन पर बैठ गया उसकी कुरूपता से खिन होकर जो नंद था उसने चाणक्य की शिखा पकड़कर वहां से हटाने का आदेश दे दिया तब चाणक्य ने नंद वंश के के विनाश की की प्रतिज्ञा और इस घटना बाद चाणक्य किसी योग्य लड़के की तलाश में निकल पड़ा जिसे नंदों के बाद सम्राट बनाया जा सके चंद्रगुप्त की उपलब्धियां अथवा विजय चं चंद्रगुप्त और चाणक्य के योग के बाद दूसरा महत्वपूर्ण और विवादास्पद प्रश्न सामने आता है कि इन लोगों ने अपने विजय का जो अभियान है वो इसकी शुरुआत कहाँ से की अर्थात पहले मगध जीता अथवा पंजाब इस पर विद्वानों में काफी मतभेद है भारतीय ग्रंथों में जो विवरण मिलता है उसके महावंश की जो टीका है उसके अनुसार चाणक्य ने एक सेना तैयार करके चंद्रगुप्त को दी जिसकी सहायता से गांव और नगरों पर आक्रमण किया जिससे जनता उनके विरुद्ध उठ खड़ी हुई और यह सेना नष्ट कर दी गई इस पर चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदल कर जनता के विचारों और अपनी असफलताओं के कारणों का पता लगाने निकल पड़े अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य ने जब पहली बार मगध पर आक्रमण किया था तो उसको पहली पराजय मिली थी मगध पर और ऐसा बौद्ध ग्रंथ महावंश की टीका और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन से भी ज्ञात होता है जब चाणक्य और चंद्रगुप्त वेश बदलकर जनता के विचारों को जानने के लिए निकल पड़े तो वे एक दिन एक गांव में ठहरे हुए थे जिस घर में वे ठहरे उस घर की जो गृह स्वामी थी वो कुए बनाकर अपने बे, बेटे को खिला रही थी लड़का चारों ओर के किनारों को छोड़कर बीज का भाग खाने लगता और इस प्रयत्न में उसका हाथ है वो जल जाता था उसकी माँ ने कहा तुम भी चंद्रगुप्त के समान मूर्ख हो लड़के के पूछने पर उसने बतलाया कि चंद्रगुप्त सम्राट बनना चाहता था उसने सीमा प्रांतों को जीते बिना ही राज्य के मध्य भाग के गाँवों और नगरों पर आक्रमण कर दिया इससे जनता उसके विरुद्ध हो गई और राज्य ने सभी सीमा प्रांतों से सीमाएं बुलाकर उसकी सेना को नष्ट कर दिया चाणक्य और चंद्रगुप्त को अपनी गलती का ज्ञान हो गया और उन्होंने पुणे एक नई सेना का संगठन किया और इस बार पहले सीमा प्रांत को जीता फिर मध्य भाग और अंत में राजधानी पाटली पुत्र को पंजाब और सिंध विजय यूनानियों ने जब निर्दयता से लोगों का संहार किया तो जनता में उनके प्रति आक्रोश था जब सिकंदर की मृत्यु हो गई थी 323 सौ ईस्वी पूर्व में तो उसके बाद उसके जो सिकंदर के यूनानी सेनानायक थे उसके साम्राज्य को बांटने के लिए आपस में ही लड़ने लगे पश्चिमोत्तर भारत की जो जातियां थी वो युद्धप्रिय थी और उनमें यूनानियों के प्रति आक्रोश भी था अतः चंद्रगुप्त को एक शक्तिशाली सेना संगठित करने में भी अधिक परिश्रम है वो नहीं करना पड़ा मुद्राराक्षस से ज्ञात होता है कि उसने एक पर्वतीय राजा पर्वतक से संधि की थी चंद्रगुप्त मौर्य की जो पंजाब और सिंध विजय है उसकी पुष्टि तीन सौ इक्कीस ईस्वी पूर्व में यूनानी सेनानायकों के मध्य संपन्न ट्रिपेरिडिस की संधि के द्वारा होती है जिसमें सिंधु नदी के पूर्व में किसी भी भारतीय क्षेत्र पर यूनानी पर्वतों का उल्लेख नहीं मिलता यही कारण है कि इसी वर्ष सिंध में नियुक्त सत्रप पैथान को भी हटा लिया गया और उसके हटते ही सिंध प्रदेश पर भी चंद्रगुप्त का अधिकार हो गया इस प्रकार पंजाब के प्रदेशों पर चंद्रगुप्त मौर्य का शासन है वो कायम हो गया नेक्स्ट है मगध पर विजय पंजाब और सिंध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध जीता उसकी मगध विजय का विस्तृत विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है आ, अभी तक उपलब्ध समस्त भारतीय साक्ष्य यह तो स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि चाणक्य ने नंदों का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर बिठाया परंतु जो नंदों और मौर्यों के बीच चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ उसका पूरा विवरण हमें नहीं मिलता आ, नंदों का जो सेनापति था गणनंद का सेनापति बद साल उसको पराजित कर मात्र 25 वर्ष के आयु में 322 सौ बाईस ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक हुआ था इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी जो कि पटना के पास बुलंदीबाग और कुम्रहार का क्षेत्र है ये अब जो पाटलिपुत्र है गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित है जो मौर्यों का जो राज राजकीय चिन्ह था वो मयूर था और राजभाषा जो थी मौर्यों की वो पाली थी जस्टिन और प्लूटार के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी का शानदार महल था इस दौरान शिक्षा का जो केंद्र था वो तक्षशिला था भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता एवं इस राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था इसे भारत को राजनीतिक एकता और प्रशासनिक व्यवस्था में बांधने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही है नेक्स्ट है सेल्यूकस पर विजय सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभाजन के लिए उसके मुख्य सेनानायकों में आपसी संघर्ष शुरू हो गया था ऐसे प्रदेशों के स्वामित्व के लिए सेल्युकस और एंटीगोनस में युद्ध हुआ लंबे संघर्ष के बाद सेल्युकस जो है वो विजयी रहा और तीन सौ छः ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस का राज्याभिषेक से हुआ और उसने निकेटर अर्थात विजय की उपाधि धारण की सेल्युकस ने इसके बाद भारत विजय की योजना बनाई शिकंदर के के अधूरे काम को पूरा करने उद्देश्य से काबुल के रास्ते सेल्यूकस सिंधु नदी का रास्ता पकड़कर भारत आया और चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ जिसमें सेल्युकस निकेटर पराजित हुआ और उसने चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली और सेल्युकस और चंद्रगुप्त के मध्य यह जो युद्ध है 305 सौ पूर्व में हुआ था 303 सौ तीन ईस्वी पूर्व में, इन, इन में संधि हो गई संधि के तहत चार प्रदेश जिनमें सेल्युकस ने चार प्रदेश एरिया अर्थात हिरात एराकोसिया अर्थात कंदार जेड्रोसिया अर्थात मकरान बलूचिस्तान पेरोपनिस्डाई अर्थात काबुल आ, के ये जो चार प्रांत है ये सेल्युकस ने चंद्रगुप्त को दे दिए और अपनी पुत्री हेलना अथवा कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया और राजपु एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा मेगस्तनीज को जो कि 304 से 299 सौ ईस्वी तक भारत में रहा चंद्रगुप्त ने इसके बदले सेल्युकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए इस संधि का महत्व भारतीय साम्राज्य की जो सीमा है वो सिंधु नदी से आगे बढ़कर अपनी वैज्ञानिक सीमा अर्थात हिंदू कस तक पहुंच गई इस संदर्भ में डॉक्टर स्मिथ का कथन विचारने हैं उन्होंने लिखा है कि 2000 वर्ष से भी अधिक हुए भारत के प्रथम सम्राट ने इस प्रकार उस वैज्ञानिक सीमा को प्राप्त किया जिसके लिए उसके अंग्रेज उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें बरते रहे और जिसको कि सोलहवीं और सत्तरवीं शताब्दियों के मुगल सम्राटों ने भी कभी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया अन्य विजय प्लूटार्क और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को आ, संपूर्ण भारत का शासक बताते हैं मावंश टीका में भी उसे सकल जम्बूद्वीप का शासक बताया गया है दक्षिण भारत की विजय का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही है तथा पश्चिम भारत की विजय का श्रेय भी चंद्रगुप्त मौर्य को ही है इसके साक्ष्य के रूप में बात करें तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से हमें यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने पुष्यगुप्त वैश्य को इस क्षेत्र में अपना गवर्नर नियुक्त किया और पुष्यगुप्त द्वारा जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण है वो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके अलावा नेपाल विजय भी की थी और उसके बंगाल पर अधिकार की पुष्टि भी हमें अभिलेख से प्राप्त होती है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैल गया प्लुटार्क ने लिखा है कि उसने छ छ लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला और उस पर अपना अधिकार कर लिया उसका चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य है वो हिंदू कुश पर्वत से ले हिंदू कुश पर्वत सौराष्ट्र कर्नाटक कश्मीर नेपाल बांग्लादेश अर्थात बंगाल आंध्र प्रदेश इत्यादि तक सम फैला हुआ था और लगभग पचपन लाख वर्ग किलोमीटर में उसका साम्राज्य विस्तार था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन कौन से हिस्से सम्मिलित नहीं थे तो पूर्वोत्तर भारत केरल और तमिलनाडु चंद्रगुप्त के साम्राज्य से बाहर थे प्लूटार्क ने कहा है महत्वपूर्ण तो फैक्ट है चंद्रगुप्त ने छः लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रोन डाला और उस पर अधिकार कर लिया मेगस्तनीज ने पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा कहा है अपने ग्रंथ इंडिका में स्ट्रेबो ने चंद्रगुप्त गुप्त को पाले ब्रोतस अर्थात पाटले कहा चंद्रगुप्त की मृत्यु अपने जीवन के अंतिम चरण में पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली और स्वर्ण बेलगोला मैसूर कर्नाटक जाकर दो सौ अट्ठानवे पूर्व में संलेखना पद्धति जैन धर्म में है संलेखना पद्धति जिसमें उपवास अर्थात अन्न व जल का परित्याग करके शरीर को त्याग दिया जाता है इस संलेखना पद्धति के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शरीर को त्याग दिया जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंत में मगध में बारह वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था तब भद्रबाहु जो थे जैन जैन धर्म के मुनि भद्रबाहु वो अपने शिष्यों को लेकर दक्षिण भारत में चले गए थे स्थल वहीं रहे थे और भद्र के जो शिष्य हैं वो दिगंबर कहलाए और स्थल बाहु के जो शिष्य थे वो श्वेतांबर कहलाए तो विद्यार्थियों आज हमने चंद्रगुप्त महा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में उसकी प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसकी विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया चंद्रगुप्त एक महान विजेता साम्राज्य निर्माता एवं कुशल प्रशासक था वह एक कुशल सैनिक योद्धा और सेनानायक भी था तथा कुशल प्रशासक के सभी गुण भी चंद्रगुप्त मौर्य में विद्यमान थे चंद्रगुप्त मौर्य विद्या अनुरागी और कला प्रेमी भी था उसमें धार्मिक सहिष्णुता भी थी अपने इन्हीं गुणों के कारण उसने भारतीय इतिहास में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया और उसकी गणना योग्यतम शासकों में की जाती है ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद